नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रिक्ता। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। मस्तूरी के सरकारी स्कूल में छात्र झुलसा, गर्म खीर से हादसे का दूसरा मामला, कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत से विपक्ष का सरकार पर हमला, बंद का बिलासपुर में दिखा आंशिक असर। राज्य स्तरीय खेल स्पर्धा का रंगारंग आगाज, 1000 से ज्यादा स्कूली खिलाड़ी दिखाएंगे खेल कौशल। और बिलासपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन पर हो रहा तेजी से काम, जीएम ने किया निरीक्षण। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर गतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस दयालबंद रोड नियर तोरवा चौक बिलासपुर। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जिले के मस्तूरी ब्लॉक के एक सरकारी स्कूल में गर्म खीर से छात्र झुलस गया। मध्याह्न भोज में बनाई खीर बच्चे के पैर में गिर गई, जिससे छात्र जल गया। घटना में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही की बात कही जा रही है। पूरा मामला मस्तूरी विकास खंड के पचपेड़ी के पास स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला केवतरा का है। यहाँ मध्याह्न भोजन में खीर बनाई गई, जो भोजन परोसने के दौरान छात्र पर गिर गई, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया। बताया जा रहा है कि छात्र के पैर पर खीर गिरी। छात्र को इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि प्रबंधन की लापरवाही के चलते स्कूल में पढ़ने वाला 8वीं कक्षा के एक छात्र के ऊपर गर्म खीर गिरने से वह बुरी तरह झुलस गया है। शनिवार सुबह की पाली में स्कूल लगा था। मध्याह्न भोजन के मेन्यू के अनुसार इस दिन बच्चों को खीर बांटना रहता है। इसी मेन्यू के मुताबिक स्कूल में भी खीर बना था, जो बांटने के दौरान छात्र के पैर में गिर गया। जब इसकी जानकारी बीईओ को लगी तो वह आनन फानन में स्कूल पहुंचे। वहीं कलेक्टर ने भी इस मामले में डीईओ को फटकार लगाई है और पूरे मामले में जांच कर दोषी पर कार्यवाही करने कहा है। इससे पूर्व भी जिले के एक सरकारी स्कूल में इस तरह की घटना हो चुकी है। लोकस्वर टीवी के लिए कैमरामैन जयसाहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। पुलिस की गिरफ्त में युवक की मौत से साहू समाज में आक्रोश है। जिला साहू समाज ने नेहरू चौक में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा का पुतला जलाया। समाज के लोगों ने कहा दोषियों पर कार्रवाई किया जाए। कवर्धा के रेंगाखार थाने में गिरफ्तार 27 वर्षीय युवक प्रशांत साहू की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद विपक्षी दल और साहू समाज ने साय सरकार पर कानून व्यवस्था पर सवाल किया है। उनका कहना है प्रदेश के लोग अपने ही शहर में सुरक्षित नहीं है। साल भर के भीतर प्रदेश में अपराध का ग्राफ सर के ऊपर चला गया है। युवक की पुलिस कस्टडी में मौत पर साय सरकार ने तत्काल एक्शन लिया है। जिस प्रकार से कवर्धा जिले के लोहारीटी गांव में नरसंहार हुआ है, आगजनी हुई है और पुलिस प्रशासन द्वारा प्रशांत साहू को मार मार कर जान ले लिया जाता है, उसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है, इसके विरोध में हम छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के आह्वान पर बिलासपुर के मुख्यालय में आज मुख्य गृह मंत्री विजय शर्मा जी का पुतला दहन किए हैं। किस प्रकार की बर्बरता पुलिस प्रशासन के द्वारा वहाँ की गई, महिलाओं के साथ जो पिटाई किया गया, जो मृतक है प्रशांत साहू उसके साथ पिटाई किया गया, तो सब देखे हैं लोगों ने। महिलाओं को, उसकी माँ को भी निर्वस्त करके जिस प्रकार के मारपीट की गई, उनका स्वयं का बयान आया है। वहाँ लड़की जो है, महिलाएं हैं, उनको एसपी की मौजूदगी में जिस प्रकार से पिटाई पुलिस के द्वारा की जा रही थी, ये कोई छोटी घटना नहीं है। और इसको सिर्फ आप पुलिस का जो है लापरवाही नहीं कर सकते, प्रशासन से भी चूक हुई है, सरकार से भी चूक हुई है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, तीन तीन दिन तक आप चुप बैठे हुए हैं, विपक्ष के आवाज़ उठाने पर उनको किसी के ऊपर बर्खास्तगी की कार्रवाई करते, लेकिन अपने मन से नहीं किए। अभी भी एसपी कलेक्टर को उन्होंने सिर्फ स्थानांतरण किया है, तो उसको बर्खास्त करना चाहिए। शनिवार को आयोजित लोक अदालत में हजारों मामलों का आपसी समझौते से निपटारा किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राकेश सिंह सोरी ने बताया सिविल जजों के 40 खंडपीठ और राजस्व प्रकरणों में आपसी राजीनामा के लिए तहसील स्तर पर अदालत लगाया गया। इसमें लंबित के अलावा प्रीलिटिगेशन के प्रकरण सुलझाने में कामयाबी मिली है। अदालतों का बोझ कम करने लोक अदालत लगाकर तेजी से निपटारा किया जाता है। इसे मिलाकर इस वर्ष यह लोक अदालत का तीसरा आयोजन किया गया। सिविल न्यायाधीशों के कुल 40 खंडपीठ बनाए गए थे। इसके अतिरिक्त राजस्व अधिकारियों के, जिसमें एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के खंडपीठ भी बनाए गए थे। और इस लोक अदालत में
अभी तक जो शाम 5 बजे तक जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर 9000 से अधिक प्रकरणों के लंबित मामलों का निराकरण हो चुका है और इसके अलावा लाखों की संख्या में प्री लिटिगेशन के मामलों का निराकरण किया गया है, जिसमें से विद्युत की वसूली के मामले, बैंक और फाइनेंस कंपनियों के मामले भी इसमें शामिल हैं। बिलासपुर बंद का शनिवार को शहर में खास असर नहीं रहा। हालांकि कांग्रेस ने अपनी तरफ से बंद को सफल बनाने नगर भ्रमण कर व्यापारियों से सहयोग मांगा। कवर्धा के लोहारडीह में एक युवक की पुलिस अभिरक्षा में मौत हो गई, जिसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बिलासपुर बंद का निर्णय लिया था। लोहारडीह कवर्धा में पुलिस अभिरक्षा में प्रशांत साहू की निर्मम हत्या के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को बिलासपुर बंद का ऐलान किया। नगर भ्रमण कर कांग्रेस नेताओं ने व्यापारियों से युवा प्रशांत साहू की हत्या और लचर कानून व्यवस्था के विरोध में अपने संस्थान बंद रखने अनुरोध किया। शहर अध्यक्ष विजय पांडे ने कहा, 9 माह की भाजपा सरकार अपराध को बढ़ावा दे रही है। अभी तक अपराधी अपराध कर रहे थे, पर बलौदा बाजार की और लोहारडीह की घटना से साय सरकार के कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। साय सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बेखौफ पुलिस और अपराधी मिलकर जनता को डरा रहे हैं, लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। कांग्रेस जन अपील करते हुए पूरे शहर का फेरा लगाया। कवर्धा में स्वर्गीय प्रशांत साहू का जिस तरीके से पुलिस की कस्टडी में उसकी बर्बरता पूर्वक हत्या की गई है और पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसको लेकर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ बंद और बिलासपुर बंद का आह्वान किया गया। 8 महीने की सायसाई की सरकार में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, अपराध बढ़ते जा रहा है, अपराधियों पर कोई अंकुश नहीं है। हमारी तो मांग है कि ये जो क्रिमिनल गृह मंत्री है उसको इस्तीफा देना चाहिए, एसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए हत्या का, और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ जो शांत राज्य था, जहाँ सतनामी समाज के लोगों को बलौदा बाजार में उठा उठा के पीटा जा रहा है, आदिवासियों को पीटा जा रहा है, मुस्लिमों को बनाया जा रहा है, क्रिश्चियनों को बनाया, अब साहू का नंबर है। ये भारतीय जनता आपकी पार्टी छत्तीसगढ़ में किस समाज को छोड़ना चाहती? हर समाज के लोगों को डर दहशत है। ये जनरल डायर जो है विजय शर्मा, उसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग, और एसपी को ऊपर एफआईआर दर्ज कर उसको जेल भेजना चाहिए। कवर्धा में जिस तरीके से साहू परिवार के मकान को जलाया गया, पुलिस कस्टडी में प्रशांत साहू की मृत्यु हुई, उन सब के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष दीपक बैज जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और सिंह हरिया जी, तीनों यहाँ पर दौरा किए। इसके बाद डॉक्टर करण दास महंत सबके समर्थन से छत्तीसगढ़ बंद का निर्णय लिया गया। बिलासपुर में सारे व्यापारी समुदाय के लोग शांतिपूर्ण बंद में समर्थन कर रहे हैं। पुलिस अभिरक्षक की मौत मामले में कांग्रेस ने आम जनता और व्यापारी संगठनों से मिलकर साय सरकार की कार्य प्रणाली से अवगत कराया और कहा, निरंकुश शासन में सुरक्षा बड़ा मुद्दा बन गया है। शहर अध्यक्ष विजय पांडे, महापौर रामशरण यादव, सभापति शेख नजरुद्दीन, अभय नारायण राय, राजेश पांडे, नरेंद्र बोलर, महेश दुबे, राकेश शर्मा, ऋषि पांडे, समीर अहमद, अमर बजाज, स्वर्णा शुक्ला, सीमा धृतेश समेत कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कार्यकर्ताओं ने दोपहर 3 बजे तक बंद का सभी से समर्थन मांगा। इस दौरान कई स्थानों पर दुकानें बंद रही। कवर्धा में बहुत बड़ी घटना घटी है, एक ही गांव के चार लोगों की मृत्यु हो गई, इसकी प्रताड़ना में बालक की मृत्यु हो गई साहू जी की, उनका पूरा परिवार दहशत में, पूरा गांव दहशत में है। बिलासपुर कवर्धा विधानसभा के होकर गृह मंत्री का अपना जिला नहीं संभाल रहा है, पूरे प्रदेश में आज तक स्थिति है, जब वो अपना विधानसभा नहीं संभाल पा रहे हैं तो पूरे प्रदेश की स्थिति क्या रहेगी। हम सभी आज कांग्रेस प्रदेश के आह्वान पे आज कांग्रेस बंद करने निकले, जिसमें पूरे व्यापारी गण, पूरे सभी को इसका पूर्ण समर्थन मिल रहा है। व्यापारियों से लगातार हम लोगों ने कल भी समर्थन मांगा था और आज भी शांतिपूर्वक सभी से समर्थन मांग रहे हैं और मिल रहा है। 9 बजे से 3 बजे तक आज बिलासपुर बंद है। पूरे प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था जो जिस तरह से बिगड़ चुकी है उसको लेकर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर शहर कांग्रेस कमेटी आज बिलासपुर बंद करा रही है और प्रशांत साहू को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और जिस तरह से शहर में और पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो स्थिति खराब हुई है और सरकार जो हो रही है कि बार बार एसपी और कलेक्टर को हटाती है, क्योंकि हटना तो यहाँ के गृह मंत्री को चाहिए। बयान में कांग्रेस नेताओं ने कहा, लोहारडीह कवर्धा की घटना में पुलिस ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। जिस तरह सोशल मीडिया में पुलिस लाठी बरसा रही है, वो भी एक बच्ची के ऊपर, स्वस्थ समाज में स्वीकार्य नहीं है। पुलिस अभिरक्षा में एक युवा प्रशांत साहू की मृत्यु हुई है, उनके भाई बहन और मां को प्रताड़ित किया जा रहा है।
इसकी खिलाफत कर कांग्रेस आगे भी आंदोलन करेगी। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। ट्रैफिक नियम तोड़ने के मामले में बिलासपुर के लोग आगे हैं। यह उनके द्वारा भरे गए चालान से पता चलता है। सड़क पर दुर्घटना रोकने, ट्रैफिक के व्यवस्थित संचालन के लिए अत्याधुनिक ITMS प्रणाली उपयोग में लाया जा रहा है। इसके बाद भी ई चालान में करोड़ों रुपए मिलना चिंता का विषय है। ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अंतिम क्षणों में नियम विरुद्ध आगे बढ़ जाते हैं। धैर्य खोने वाले इन लोगों से ही बिलासपुर का नाम हो रहा है। इस साल जनवरी से ITMS प्रणाली से शहर के चौक चौराहे में तीसरी नजर रखने की शुरुआत की गई। सिग्नल तोड़ने या नियम विरुद्ध वाहन चलाने पर ऑनलाइन चालान का प्रावधान किया है। नया तरीका कारगर रहा। चकमा देकर भागने वाले या फिर दुर्घटना के लिए जिम्मेदार की तस्दीक करना आसान हुआ है, लेकिन मूर्खता और अनजाने में ट्रैफिक सिग्नल जंप करने की घटनाएं कम नहीं हुई है। जनवरी से अब तक 3.5 करोड़ जुर्माना की राशि यातायात विभाग में जमा किया है। ये चौंकाता है, वो इसलिए कि सड़क पर इनसे दूसरों को खतरा है। लापरवाही भारी पड़ सकती है। ट्रैफिक महकमे के एडिशनल SP नीरज चंद्राकर कहते हैं, कोशिश जारी है, थोड़ा डर और जागरूकता दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से ई चालान कट रहा है उससे सड़क पर सुरक्षा व्यवस्था में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। 2024 से ITMS सिस्टम के माध्यम से जो कैमरे हमारे लगे हुए हैं, ई चालान की कार्रवाई शुरू की गई थी। उसमें अभी तक अगर कहा जाए तो करीब 3.5 करोड़ रुपये का समन शुल्क उनसे वसूला गया है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर ट्रैफिक वॉयलेशन पर हुई है। इसका प्रभाव ये हुआ है कि अब चौक चौराहे पर ट्रैफिक रूल्स के वॉयलेशन के लिए लोग थोड़े से सचेत हुए हैं, क्योंकि ई चालान से नोटिस उनके घर जाता है और उनके क्योंकि कैमरे में कैद होते हैं। तो जो भी जागरूक लोग हैं वो तो जागरूक हुए हैं, परंतु अभी भी एक बड़ी संख्या के लोग हैं जो इसका मतलब समझ नहीं पा रहे हैं और वॉयलेशन अभी भी जारी रखे हुए हैं, क्योंकि प्रतिदिन अगर देखा जाएगा तो बड़ी संख्या में वॉयलेशन चल रहा है। तो इस प्रकार से ITMS के कैमरे के माध्यम से लोगों में जागरूकता तो आई है। चालान के जरिए केवल रुपए वसूल करना पुलिस का उद्देश्य नहीं है। लोग सड़क पर वाहन चलाते हुए दोहरी जिम्मेदारी का पालन करें, जिससे सुरक्षित और सुगम व्यवस्था बहाल रहे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का एक और गंभीर मामला सामने आया है। स्ट्रेचर की कमी के कारण मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में आए दिन मरीज और उनके परिजन स्ट्रेचर के इंतजार में घंटों खड़े रहते हैं। इस स्थिति ने न केवल मरीजों के इलाज में देरी होती है, साथ ही अस्पताल पहुंचे परिजन खुद को असहाय महसूस करते हैं। शनिवार को सड़क हादसे में घायल मरीजों को लेकर पहुंचे डायल 112 की टीम और परिजनों को स्ट्रेचर नहीं मिला तो वे मरीज को हाथों से उठाकर इमरजेंसी OPD पहुंचे, जबकि सिम्स के गेट के पास ही व्हीलचेयर और स्ट्रेचर उपलब्ध होने की जानकारी का बोर्ड लगा है। इसके बावजूद व्यवस्था संभालने वाला स्टाफ आपात स्थिति में भी यहाँ दिखाई नहीं देता। हम लोग मीटू से आए हैं और एक्सीडेंट हुआ तो भाई को 112 में ले गए हैं। सामने सामने दोनों जन को हो गया, 112 में ले गया है उसको। यहाँ स्टेशन नहीं मिला, उठा के ले गए। कितना देर रुके थे यहाँ? 10 मिनट। 24वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का विधायक धर्मजीत सिंह और सुशांत शुक्ला ने पुलिस मैदान में आयोजित समारोह में उद्घाटन किया। जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, निगम कमिश्नर अमित कुमार ने भी दीप प्रज्वलित किया। सभी 5 संभाग के 1100 खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे हैं। बिलासपुर की मेजबानी में 24वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शनिवार को रंगारंग उद्घाटन हुआ। तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ने स्पर्धा की घोषणा करते हुए सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। इससे पहले बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, निगम आयुक्त अमित कुमार और SDM पीयूष तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। इसके साथ ही स्पर्धा का ध्वज फहराया। समारोह में अतिथियों का जिला शिक्षा अधिकारी TR साहू, आयोजन प्रभारी अवधराम चंद्राकर और जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्वागत किया। उद्घाटन समारोह का प्रमुख आकर्षण विभिन्न जिलों से आए 1100 खिलाड़ियों का मार्च पास्ट रहा। हाथों में अपने संभाग की तख्ती लेकर स्पोर्ट्स जर्सी में सजे स्कूली बालक बालिकाओं ने अतिथियों को सलामी दी। बस्तर, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा संभाग के खिलाड़ियों ने
बैंड की धुन पर अनुशासन के साथ कदम ताल किया। और इसके पीछे हैं अंत में मेजबान बिलासपुर के खिलाड़ी शान से आगे बढ़े। विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा, सफलता और असफलता जीवन में आती जाती है, मायने ये रखता है कि हमने कितनी मेहनत की है। उन्होंने सभी को अपनी शुभकामनाएं दी। आपके इस 24वीं राज्य स्तरीय स्थानीय क्रीड़ा प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए मैं जिला प्रशासन को, जिला शिक्षा विभाग को और इस आयोजन से जुड़े हर उस व्यक्ति को जिस इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, मैं सबको साधुवाद और शुभकामनाएं समर्पित करता हूँ। समारोह का दूसरा आकर्षण था महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के छात्राओं की सांस्कृतिक प्रस्तुति। लोक गीत पर 100 से ज्यादा छात्राओं ने लयबद्ध होकर मोहक। सभी ने करतल ध्वनि से नृत्य दल का उत्साह बढ़ाया। इसके साथ ही शहर के अलग अलग मैदानों में 14 से 19 आयु वर्ग के बालिकाओं के कबड्डी, हॉकी, बेसबॉल और एथलेटिक्स स्पर्धा में मुकाबला शुरू हुआ। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसौ टीवी, बिलासपुर। नवरात्रि का पर्व नजदीक है। शहर में मां दुर्गा की भव्य मूर्तियों के निर्माण की तैयारियां जोरों पर है। हर साल की तरह इस बार भी मूर्तिकार अपनी कला के जरिए देवी दुर्गा की मूर्तियों को आकार देने में लगे हैं। नवरात्रि के आगमन से पहले सभी मूर्तिकार दिन रात मेहनत कर मूर्तियों को सजीव बनाने में लगे हैं। मिट्टी, बांस और रंगों का इस्तेमाल कर इसे तैयार किया जा रहा है। निर्माण में पारंपरिक और आधुनिक कला का सुंदर संगम देखा जा सकता है। मूर्ति के आकार और सौंदर्य को निखारने के लिए रंग रोगन का काम भी तेजी से हो रहा है। देवी दुर्गा के हर चेहरे के भाव, उनकी आभूषणों की सजावट और उनके अस्त्र शस्त्र पर खास ध्यान दिया जा रहा है। कलेक्टर अवनी शरण ने सिम्स में इंजेक्शन से 56 वर्षीय महिला की कथित मौत पर संज्ञान लिया है। उन्होंने इस घटना की जांच के लिए टीम गठित की है। समिति को 3 दिन में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा है। उन्होंने कहा कि लापरवाही उजागर होने पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुजीत नायक ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर जांच कमेटी का गठन कर लिया गया है। कलेक्टर ने अस्पताल में एसी व्यवस्था शुरू करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने कहा है, जिसमें मरीज को केवल एक बार ही पंजीयन काउंटर पर आना पड़ेगा। इसके बाद मरीज को सीधे ही संबंधित विभाग में उपचार के लिए रखा जाए। उन्होंने शनिवार सिम्स अस्पताल पहुंचकर जायजा लिया। अस्पताल में मरीजों की सुविधाओं में वृद्धि के लिए जल्द हेल्प डेस्क बनाने कहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेल की महाप्रबंधक सुश्री नीनू एटियरा ने बिलासपुर झारसुगड़ा चौथी रेल लाइन निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने भूपदेवपुर स्टेशन में किए जा रहे यार्ड मॉडिफिकेशन कार्यों का निरीक्षण किया। यहां इंजीनियरिंग और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बिलासपुर से झारसुगड़ा के बीच इन दिनों चौथी लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। बिलासपुर से रायगढ़ के बीच इसका काम पूरा कर लिया है, अब आगे का काम शुरू किया है। चौथी लाइन का काम पूरा हो जाने से ट्रेनों की गति में तेजी आएगी और परिचालन भी सुरक्षित होगा। शुक्रवार को जीएम ने भूपदेवपुर स्टेशन का निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। भूपदेवपुर स्टेशन में यार्ड मॉडिफिकेशन के दौरान स्थापित किए जा रहे ऑटोमेटिक इंटरलॉकिंग उपकरणों, रेल संरक्षा से जुड़े उपकरणों सहित अन्य का बारीकी से निरीक्षण कर महाप्रबंधक ने नए यार्ड के लेआउट प्लान का अवलोकन किया। यहां उपस्थित अधिकारियों से कार्य के प्रगति की जानकारी ली। बिलासपुर झारसुगड़ा चौथी रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत बिलासपुर से झारसुगड़ा के मध्य 206 किलोमीटर चौथी लाइन का निर्माण लगभग 2135 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत अब तक लगभग 113 किलोमीटर से अधिक
रेल लाइन का निर्माण पूरा कर लिया गया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बारिश का मौसम विदा ले चुका, लेकिन महाराणा प्रताप चौक से तिफरा ब्रिज के बगल वाली सड़क का कई साल हुए सुधार नहीं किया है। इससे लगे बड़े रिहायशी इलाके तक पहुंचने लोग बदहाल सड़क से आना जाना करते हैं। एक छोर से दूसरे छोर तक मार्ग में गड्ढे पड़ गए हैं। बारिश में कीचड़ का असर अब तक बना हुआ है, जिससे लोग खासे परेशान हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश के तहत रेत घाटों से उत्खनन और परिवहन पर बारिश के समय से ही रोक लगा दी है, लेकिन इसके बावजूद जिले की बंद रेत खदानों से अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा है। शहर से लगे मंगला, निरतु, गुटखू, कछार, दर्रीघाट समेत अन्य जगहों से इन दिनों रेत माफिया नदी से रेत निकाल रहे हैं, जिस पर नकेल कसने खनिज विभाग की टीम फिसड्डी साबित हो रही है। विभाग का अमला कलेक्टर के निर्देश को भी अनदेखा कर रहा है। इससे आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि माफियाओं से विभाग के अधिकारी की कैसी मिलीभगत होगी। शहर में पिछले साल की तुलना में कम बरसात हुई है। इस साल तेज धूप और उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया है। सितंबर में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार मानसून अब ढलान पर है। कहा जा रहा है बिलासपुर समेत प्रदेश में अक्टूबर के पहले पखवाड़े में मानसून विदा हो जाएगा। बारिश के आसार को केवल 10 दिन बाकी है, लेकिन भारी वर्षा नहीं होगी। शनिवार दोपहर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री दर्ज किया गया। शाम तक गर्मी और उमस कम नहीं हुई। रविवार को भी मौसम सामान्य रहने की संभावना है। इस सीजन में ज्यादातर खंड वर्षा की स्थिति रही, जिसके कारण अधिक वर्षा पर ब्रेक लगा। शहर समेत ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर गाय भैंसों का जमावड़ा लगा रहता है। इनसे स्कूली बच्चों सहित आने जाने वालों को परेशानी होती है। इनके बीच से वाहन चालकों का निकलना जोखिम भरा होता है। शहर के सभी मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही है। विशेषकर रात में बैठे मवेशियों के कारण दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। कई बार वाहन चालक टकरा कर घायल हो जाते हैं। लाल खदान ओवरब्रिज को मवेशियों ने ठिकाना बना लिया है। ब्रिज पर अक्सर मवेशी बैठे रहते हैं। सुबह से लेकर देर रात तक यहाँ मवेशियों का जमघट रहता है। यह हालात पिछले कई महीनों से बने हुए हैं। भले ही जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा मवेशी मालिकों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन स्थिति में बदलाव नहीं आया है।